हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमें प्रदीप चौरसिया और आज मैं बात करूंगा SBI में आई हुई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में, जो कि बहुत पहले से मतलब 4 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट 28 दिसंबर है इसका, और ऑनलाइन टेस्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं 27 जनवरी को होगा। और ये एडमिट कार्ड टेंटेटिव डेट यहाँ बताया गया कि 5 जनवरी से आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी आइए पूरी डिटेल के आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी भी डेट है तो आपको अगर नहीं पता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है और आपके दोस्त कोई इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो उन्हें ज़रूर शेयर करें और उन्हें बताएँ ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकें। और सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम आइए सीधे बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी एंड अदर डिटेल में बताया गया है कि डिप्टी मैनेजर इंटरनल ऑडिट और जो ग्रेड है MMGS 11। सो टोटल पोस्ट यहाँ पे 39 है जो कि वेरियस कैटेगरीज में बांटा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो बात की गई है वहाँ पे बेसिक है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और प्रेफरेंस जो दिया गया है वो सीसा को दिया गया है। और एक्सपीरियंस की जो बात की गई है यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया अभी था। चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म एंगेज इन स्टेटरी इंटरनल कॉन्करेंट ऑडिट ऑन बैंक एम्प्लॉयमेंट इन अ बैंक विथ क्रेडिट एक्सपोजर इज़ डिजायरेबल। अगर आपने CMA फर्म में भी काम किया है, CA फर्म में, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आपका फर्म का एक्सपीरियंस काउंट यहाँ पे हो जाएगा और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट आप CA क्वालिफाइड होने चाहिए। फिर यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात की गई है कि आपको कौन कौन से काम करने हैं, तो कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ ब्रांचेस एंड ऑफिसेस, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट इन द एक्टिविटीज ऑडिटर कंटेनिंग द फाइंडिंग ऑफ ऑडिट, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम, एनी अदर वर्क मे बी जो भी बैंक आपको बताएगा वो भी करना पड़ेगा। फिर यहाँ सैलरी की बात की गई है, तो सैलरी जो आपको मिलेगी वो बेसिक सैलरी जो है 31,705 रुपये है और इस पर आपको बाकी जो भी DA, HRA, CCA, PF, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, LFC, मेडिकल, जो भी अदर फैसिलिटी है आपको मिलेंगी। फिर यहाँ पे अदर जो कंडीशन है या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात किया गया है। जो ट्रेनिंग है आपको 1 साल की मिलेगी, लेटरल मूवमेंट है, आप कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। फिर प्रमोशन आपका अपॉर्चुनिटी जो है उसके बारे में बात की गई है, और जो जॉब का टाइप है वो रेगुलर है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात की गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा पहले ही मैंने बता दिया आपको कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है CA क्वालिफाइड और 1 साल का एक्सपीरियंस। और जो यहाँ पे एज मांगी गई है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 21 ईयर मिनिमम एंड 35 ईयर आपका मैक्सिमम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात आइए करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका वो ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद जो क्वालिफाइड हो जाएंगे रिटर्न एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन होगा उनका। और जो टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम का वो 27 जनवरी 2019 है। फिर ये आप देख सकते हैं जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो क्या है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड प्रोफेशनल नॉलेज। सो ये टोटल मिला के आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके लिए आपको टोटल 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। 90 मिनट आपको इन तीन रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश के लिए मिलेगा, और 60 मिनट का आपको मिलेगा प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन की। तो यहाँ पे एडवोकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट जब डिसाइड हो जाएंगे तो उनका यहाँ पे GD और इंटरव्यू होगा। ग्रुप डिस्कशन विल कैरी 20 मार्क्स एंड इंटरव्यू 30 मार्क्स। तो यहाँ टोटल आपका 50 हो गया और 50 मार्क्स आपके एवरेज लिए जाएंगे रिटर्न मार्क्स से। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि कैसे बनेगा। तो उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सो टोटल आपका 125 मार्क्स का होगा जिस पे मेरिट बनेगी। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग है जो बताया गया है, आप देख सकते हैं कि हैदराबाद एंड बिल बी ऑन मोबाइल ड्यूटी, मतलब आपको कहीं भी और भी भेजा जा सकता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी है। फिर यहाँ पे आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस की जो बात की गई है यहाँ पे SC ST का 100 रुपीज़ इंटरमिशन चार्ज ओनली, एंड जनरल एंड अदर जो कास्ट हैं उनके लिए 600 आपका इंक्लूडिंग इंटरमिशन चार्जेस है। तो यहाँ पे 600 फीस आपको सबमिट करेगी। बाकी यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बात किया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको पेमेंट ऑफ फीस का लिंक, आपको एडवर्टीजमेंट का लिंक, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन सारे आप पढ़ लीजिए, वैसे ही हैं जो अमूमन सब में सेम होते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है
आईडी प्रूफ के बारे में बात की है, क्या क्या स्कैन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपका फ़ोटो सिग्नेचर, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। तो ये पूरी वैकेंसी थी जिसकी डिटेल मैंने आपको दी है। तो अभी भी 10 दिन कह सकते हैं बचे हैं, 8 दिन, तो आप इसको जरूर से जल्दी से अप्लाई करें, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।